भिंड नगर विराजमान मुनि श्री विनय सागर के सानिध्य में दशलक्षण पर्व के छठे दिन मुनि श्री ने कहा, जीवन में एक संयम और एक नियम तो होना ही चाहिए। मन के साथ शरीर को मत जोड़ो। अगर मन के साथ शरीर भी जुड़ गया तो फिर संयम का पालन करना असंभव हो जाएगा। ये बातें पंडित सुदेश जैन शास्त्री ने सोमवार को कही। वे दिगंबर जैन धर्म के पावन पर्व दशलक्षण पर्व के छठे दिन मंदिर में भक्तों को संबोधित कर रहे थे। उत्तम संयम धर्म के रूप में मनाए गए छठे दिन उन्होंने कहा कि मन तो चंचल होता है, वह कहीं भी और किसी में भी लग सकता है। इससे संयम नहीं टूटता है, लेकिन मन के सहारे शरीर को भी आप वहां पर ले गए तो संयम का पालन होना मुश्किल होता है। जिस तरह से धनुष के ऊपर बाण लगाएंगे, अगर उसे छोड़ेंगे तो ही वह निशाने पर जाकर लगेगा, और अगर हम धनुष पर बाण चढ़ाएंगे ही नहीं तो बाण छूटेगा कैसे। इसी तरह से जीवन में उत्तम संयम धर्म की पालना करनी है तो मन रूपी धनुष पर कभी भी शरीर रूपी बाण मत चढ़ाओ। अगर ऐसा होगा तो जहां मन जा रहा है वहां आपका शरीर जाएगा ही नहीं, और जब शरीर वहां तक जाएगा ही नहीं जहां तक मन जा रहा है तो उत्तम संयम धर्म कभी नहीं टूट सकता। बता दें कि पर्युषण पर्व के छठे दिन शुक्रवार को सुगंध दशमी जैन समाज की ओर से मनाई गई, जिसमें पूजा सुबह की गई, शाम को धूप चढ़ाई गई। सुगंध दशमी पर शाम 7 बजे अहिंसा ग्रुप द्वारा महावीर कीर्तिस्तंभ परिसर में जमीन से 30 फीट ऊंचे मानस्तंभ पर चारों दिशाओं में विराजित भगवान की महाआरती भारी बरसात में संपन्न हुई, जिसमें सभी भक्तों को मिला मुनि श्री विनय सागर एवं छुलक श्री विधेय सागर जी का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद। आरती के पश्चात भिंड नगर के सभी पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चातुर्मास कमेटी द्वारा पत्रकारों का सम्मान किया गया। सभी पत्रकारों ने लिया मुनि श्री से मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम का मंच संचालन मनोज जैन पार्षद वारा किया गया। Thank you.